हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने खड़ी है किया सोनेट। ये पुरानी वाली सोनेट है, नई वाली सोनेट अभी हमने जो है नहीं है देखी है, डीलरशिप वगैरह पे नहीं आई है, वो सिर्फ ऑफिशियली जो है अनवील वगैरह हुई है। 14 तारीख को लॉन्चिंग वगैरह भी आप लोगों ने देख ली होगी कैसी दिखती है वो सारी चीज़ें। बट डीलरशिप वगैरह पे जब आ जाएगी जब मैं आपको उसकी डिटेल रिव्यू के बारे में बात करेंगे। बट आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं सोनेट के HTK प्लस वाले वेरियंट के बारे में। वैसे डिटेल रिव्यू नहीं है, थोड़ा सा आपको इसमें फीचर्स वगैरह बताऊंगा। स्पेशल चीज़ ये है, वैसे तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज मैं इसके ऑफर्स के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि पुरानी वाली जो किया सोनेट है उस पर आपको कैसे ऑफर्स देखने को मिलते हैं। जब सेल्टॉस का फेसलिफ्ट आया था तब भी मैंने सेम वीडियोज आपको सेल्टॉस के ऊपर भी बताई थी, बट आज हम सेम वीडियो सोनेट के ऊपर देखेंगे कि सोनेट के ऊपर क्या आपको कंपनी ऑफर प्रोवाइड करती है। तो वीडियो का करते हैं स्टार्ट, चाबी से स्टार्ट करते हैं, फिर बात करेंगे इसके एक्शन रूम प्राइस की और क्या आपको ऑफर मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बताई दिया कि ये HTK प्लस वाला वेरियंट है, मैनुअल के अंदर चाबी देखो तो आपको कुछ इस तरीके से चाबी देखने को मिलती है। 3 बटन्स मिलेंगे लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक करने के लिए। फ्लिप की का ऑप्शन जो है इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिलता है। और पीछे बात करें तो इस तरीके से आपको जो है किया का लोगो देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इस तरीके से चिट वगैरह लगी हुई है तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे किया का लोगो देखने को मिलेगा। फ्लिप की जो है इसके अंदर आती है चाबी के अंदर, इतना ही। जैसे मैंने बताई दिया कि वेरियंट ये जो है HTK प्लस मैनुअल के अंदर है। इसके कॉस्टिंग की बात करें तो ये आपको एक शोरूम जो कॉस्ट करता है वो 9,53,000 रुपये। ऑन रोड आप लगा के चलो यूपी के रजिस्ट्रेशन के साथ ये आपको कॉस्ट करेगा 11,53,000 रुपये। अब बात करते हैं कि आपको इसके अंदर डिफरेंस क्या देखने को मिलता है। लाइट्स वगैरह आई थिंक ऑन है कि नहीं, लाइट्स ऑन नहीं है, वो सूरज का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आपको लग रही हो कि लाइट ऑन है। पीछे से सूरज की जो है रोशनी आ रही है इसलिए आपको लग रहा है कि लाइट ऑन है। बताता हूँ मैं आपको इसके ऑफर क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले ऑफर की बात करें तो इसके ऊपर आपको जो है एक्सटेंडेड वारंटी फ्री देखने को मिलती है, जो कि 5 साल तक के लिए आप इसके एक्सटेंड जो हो जाती है वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी 28,000 की। अपने दूसरे ऑफर आपको देखने को मिलता है वो मिलेगा इसके आपको इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस का पैसा आपको इसके अंदर नहीं देना पड़ेगा। और लास्ट इसके ऊपर आपको जो है 3 साल का जो है एनुअल मेंटेनेंस है 3 साल के लिए आपको फ्री देखने को मिलेगा, जो कि लगभग आप 8,000 के आसपास का लगा सकते हो। तो ऐसे करके आपको 3 चीज़ें जो हैं आपको ऑफर के रूप में इसमें दी गई हैं कंपनी की तरफ से। अगर आप पुराना वेरियंट कंसिडर करो तो लगभग आप लगा के चलो 60,000 से लेकर 70,000 का ऑफर आपको जो है अपने सोनेट के पुराने वाले वेरियंट पर सभी पे देखने को मिल जाएगा। वो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा वेरियंट टू वेरियंट, क्योंकि सबके एक शोरूम प्राइस और इंश्योरेंस वगैरह थोड़े से अलग होते हैं, तो वो चीज़ आप जो है एग्जैक्ट डीलरशिप पे जाके देख सकते हो, या फिर इस डीलरशिप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नंबर्स वगैरह पे आप कांटेक्ट कर सकते हो कि क्या आपको ऑफर मिल रहे हैं और कौन कौन से पुराने जो है आपको सोनेट के वेरिएंट आपको इस डीलरशिप पे देखने को मिलेंगे, वो चीज़ आप जो है नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं आपको कार में HTK प्लस वाले में क्या कुछ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें ऑफर के बारे में थी, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले बात करें तो किया का लोगो देखने को मिलेगा, टाइगर नोज ग्रिल देखने को मिलेगी पियानो फिनिश के साथ, साथ में क्रोम का यूज़ है। कभी कार खराब हो जाए तो यहाँ से आप कार को टो भी कर सकते हो। मैट फिनिश पे आपको जो है रेडिएटर ग्रिल देखने को मिलेगी। इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप देखने को मिलेंगे और हेडलाइट की बात करें तो रिफ्लेक्टर सेटअप है हेलोजन बल्ब के साथ। और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है उसके अंदर आपको जो है LED सेटअप देखने को मिलेगा। नीचे पार्किंग लाइट दी गई है, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो लाइट में ओवरऑल ये सारी चीजें आती है। बोनट आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, इस जगह पर डिजाइन दी गई है, बाकी प्लेन बोनट है, नॉर्मल ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मैंने डिटेल में इसके ऊपर कई बार बात की हुई है। 2 आपको वाइपर देखने को मिलेंगे, 2 फ्रंट में वॉशर है। इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको रोफ रेल्स देखने को मिलेंगी और सनरूफ देख लो आप कुछ इस तरीके से जो है आपको इसकी सनरूफ देखने को मिलेगी। ए पिलर की बात करें बॉडी कलर देखने को मिलते हैं। ओरिजिन्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ऑटो फोल्ड और इंडिकेटर तीनों चीज़ का ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोअर गार्निश वगैरह नहीं आती है। बी पिलर की बात करें तो वो आप मैट फिनिश में आपको जो है देखने को मिलेगा। बॉडी कलर आपके डोर हैंडल्स हैं। पूरी कार पे बॉडी क्लैडिंग और व्हील आर्चेस इसके अंदर आती हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। लोअर वेरिएंट से लेकर टॉप एंड वेरिएंट तक सेम ही आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं व्हील्स की, तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको स्टील व्हील का ऑप्शन मिलेगा। ये व्हील कवर है, सेंटर में किया का लोगो है, आगे डिस्क ब्रेक आएंगे, पीछे ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं और ABS CVD जो है स्टैंडर्ड ही आता है। अपोलो का टायर है, एल्कन 4GS। इसके सेक्शन की बात करें यहाँ पे आपको 215, 60, 16, 16 इंचेस के जो है रिम का साइज आपको देखने को मिलेगा। सस्पेंशन की बात करें तो आगे आपको मैकपर्सन मिलते हैं, पीछे आपको टॉर्जन बीम विद कॉइल स्प्रिंग के साथ जो है सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ जो है सोनेट पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और पीछे से देखें तो पीछे से ओवरऑल कार जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। सोनेट की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग आएगी, किया की बेजिंग आपको यहाँ पे की गई है, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। टेललाइट्स की बात करें तो ऐसी आपको जो है टेललाइट्स देखने को मिलेंगी, LED सेटअप है, रिवर्स इंडिकेटर्स यहाँ पे प्लेस की गए हैं, रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, सेफ्टी में नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं। सिल्वर फिनिश में आपको स्किड प्लेट देखने को मिलेगी और मेन एग्जॉस्ट टेल पाइप की बात करें तो वो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको दिया गया है और ऐसा दिखता है रियर कंप्लीट सस्पेंशन। जैसे टो वगैरह की बात करें तो एस सच वेल्डेड हुक वगैरह आपको नहीं दिया गया है, और एक बार देखते हैं तो पीछे आपको टो वगैरह का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। सेफ्टी में आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। सोनेट की ब्रांडिंग मैंने आपको दिखाई दी। रियर विंडशील्ड की बात करें सिर्फ आपको जो है डिफॉगर का ऑप्शन मिलता है, वाइपर नहीं आता। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पे की गई है, स्पॉट ट्विन एंटेना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
और एक बार आप जो है बूट को अनलॉक करके देखते हैं, बूट आपको कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिलेगा। रिक्वेस्ट सेंसर आता है बूट पर, वो आप यहाँ पे देख लो, इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको पार्शियल ट्रे वगैरह भी देखने को मिल जाती है, ऐसा कुछ आपको बूट स्पेस मिलेगा। रिफ्लेक्टर्स हैं, सेफ्टी किट यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे यूटिलिटी के हुक देखने को मिलेंगे। और नीचे बात करें तो यहाँ पे प्लेस किया गया है इसका स्पेयर व्हील। सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 195/65 R15 एक साइज जो है दोनों अपने हाइट और अपने इसकी जो ओवरऑल चौड़ाई है उसमें छोटा देखने को मिलता है। और सीट की बात करें तो बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन मिलेगा और आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। सो बूट में बस इतना ही। अब चलते हैं अपने राइट साइड में। राइट साइड से आपको कार जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। डायमेंशंस वगैरह बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। नई वाली जो आ रही है उसमें भी आपको डायमेंशन सेम ही देखने को मिलती है, जितने भी रूमर्स वगैरह हैं। लेंथ की बात करें तो आपको 4 मीटर की जो है एक्सप्रॉक्स आपको लेंथ देखने को मिलेगी, एग्जैक्ट 3.9 मीटर के समथिंग है। हाइट की बात करें तो 1.6 मीटर की आपको जो है हाइट देखने को मिलेगी। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। एक बार आप सारी डायमेंशंस आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी, वहाँ से आप सारी एग्जैक्ट देख सकते हो कितनी आपको डायमेंशंस वगैरह देखने को मिलती है। एक्सटीरियर में HD K+ वाले वेरियंट में बस इतना ही। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। डोर ट्रिम की बात करें तो ऑल ब्लैक आपको देखने को मिलेगी। पावर विंडो का स्विच यहाँ पे दिया गया है, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल, सेंटर लॉकिंग बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्पीकर आएगा पर्टिकुलर इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर का मिक्स सिस्टम जो है देखने को मिलता है। 1 लीटर का बोतल होल्डर आएगा। आइए अब अंदर चल लेते हैं, अंदर और क्या कुछ मिलता है। डोर थर्ड आपको कुछ इस तरीके से सुनने के लिए मिलेगी। और एक बार आप पीछे से कंप्लीट डैशबोर्ड देख लो, कुछ इस तरीके से आपको जो है देखने को मिलेगा। वैसे मैंने कई बार दिखाया है, नॉर्मल है, ऐसा आपने कई बार देखा ही होगा ये सारी चीज़ें। यहाँ पे बात करें सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ग्रैब हैंडल आएगा, कूटुक यहाँ पे दिया गया है। सेंटर में आपको एक जो है हेलोजन बेस्ड लाइट मिलेगी और आगे की लाइट जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। एक बार मैं आप दिखा दूंगा, इंडिविजुअली आप जो है इन दोनों को ऑपरेट कर सकते हो। और जैसे डोर लॉक और अनलॉक करोगे तो उस टाइम पर भी जो है लाइट ग्लो हो जाती है। और एक बार आप सामने का व्यू देख के बताओ, सामने का व्यू कितना अच्छा रहा है। ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है शाम के लगभग, मोटा मोटा लगा के चलो 4:30 के आसपास बज रहे हैं। तो खैर उसे छोड़ते हैं, अब बात करते हैं अपने सेंटर कंसोल की। तो ऐसा कुछ आपको सेटअप देखने को मिलेगा। 2 AC वेंट्स आएंगे, एक आपको जो है USB टाइप चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। साइड में कुछ स्पेस है। डोर हम की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, 3 पैसेंजर कंफर्टेबली इसके अंदर बैठ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाली सीट ऑलमोस्ट पीछे है तो एक बार आप स्पेस देख लो, कुछ इतना स्पेस आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। पॉकेट वगैरह की बात करें तो नहीं आती है, बट आपको को ड्राइवर सीट के पीछे जरूर पॉकेट देखने को मिलेगी। और यहाँ पे साइड में मोबाइल होल्डर भी दिया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट के देखने को मिल जाएंगे। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आएंगी, प्री टेंशन एंड लोड लिमिटर के साथ, बट एडजस्टेबल नहीं आएंगी। स्टैंडर्ड सेफ्टी की बात जब आई गई है तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, इसके अंदर आपको जो है स्टैंडर्ड 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं सेफ्टी के अंदर। आर्मरेस्ट वगैरह की बात करें तो वो चीज़ नहीं आती है। 3 आपको जो है आपके हेडरेस देखने को मिल जाएंगे। नीचे आइसोफिक चल सेट माउंटिंग्स आएंगे। और सीट की बात करें तो वो आप देख लो, सिंगल फैब्रिक कैपेसिटी सीट जो है आपको इस वाले वेरियंट के अंदर देखने को मिलती है। अच्छी खासी सीट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। सीट में यही चीज़ें हैं जो है। हम फाइनली चलते हैं अपने ड्राइवर साइड पे, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे आपको और क्या कुछ जो है इस वेरिएंट के अंदर देखने को मिलता है। डोर हैंडल की बात करें तो बॉडी कलर देखने को मिलेगा, फिजिकल की लगाने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। डोर ट्रिम की बात करें तो बिल्कुल आपको ऑल ब्लैक ही सेम देखने को मिलती है, यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पे आपको 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। ORVM के इंटरनल एडजस्टमेंट हैं, ऑटो फोल्ड और लेफ्ट राइट सेलेक्ट जो है आप इस वाले बटन से कर सकते हो। लॉक अनलॉक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। चाइल्ड सेफ्टी का बटन मिलेगा, ट्यूटर यहाँ पे देख लो, डोर हैंडल यहाँ पे मिलेगा, अपना सेंटर लॉकिंग का बटन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको नीचे 1 लीटर का बोतल होल्डर देखने को मिलेगा। स्पीकर यहाँ पे आएगा, इसका प्लेट वगैरह नहीं आती है। और इस वाले लीवर से आप जो है इसका फ्यूल कैप को अनलॉक कर सकते हो। मैनुअल वेरियंट है तो 3 पैडल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। डेड पेडल सेपरेट में आएगा। फ्यूज ओबीडी पोर्ट यहाँ पे दिया गया है। और सीट की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन जो है इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिलता है। यहाँ से आप जो है सीट को रिक्लाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। अब अंदर चल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है। हेडलाइट लेवलर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ऐसा आपको जो है स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है, 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील आएगा। यहाँ पे आपको जो है MID को कंट्रोल करने के बटन दिए गए हैं। इंफोटेनमेंट के कंट्रोल करने के लिए बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, साथ में वॉइस कमांड और मोड वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। AC की बात करें तो इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक AC आता है और 8 इंचेस की जो है टच स्क्रीन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पे डेडिकेटेड बटन्स दिए गए हैं स्लीप ट्रैक सेटअप और अपने वॉल्यूम वगैरह को चेंज करने के। और यहाँ से आप सिर्फ एंटर वगैरह कर सकते हैं, वॉल्यूम आप यहाँ से चेंज करोगे। यहाँ पे और कुछ डेडिकेटेड बटन्स हैं जैसे ब्लूटूथ और अपना रेडियो मीडिया फेवरेट के हिसाब से हैं। और यहाँ पे भी आपको फेवरेट का बटन देखने को मिलेगा। दोनों चीज़ जो है सेम ही काम करती हैं। आप इंफोटेनमेंट से इसको सेट कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। हेजलाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे एक और चीज़ इसके अंदर आपको जो है
है वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज है इस सेगमेंट के कार के हिसाब से। फोन वगैरह रखने का स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एक 12V का पावर आउटलेट, USB का A-Type चार्जिंग पोर्ट और दूसरा भी आपको जो है चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर मिलेगा, और इससे आप पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है अपना 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिल्वर फिनिश देखने को मिलेगी, दो आपके कप होल्डर्स दिए गए हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगा। और आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस की बात करें तो कुछ इतना स्पेस जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, बट स्लाइडिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, सॉफ्ट टच आपको जो है आर्मरेस्ट देखने को मिलती है। ग्लो बॉक्स को देखें तो कुछ इस साइज का आपको जो है इसके अंदर ग्लो बॉक्स देखने को मिलता है। एयरबैग की बैजिंग आपको यहाँ पे दी गई है, मैनुअल डिमिंग का आपको रियर व्यू में ऑप्शन देखने को मिलेगा, सनग्लास होल्डर आपको ऊपर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप जो है लाइट को इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। सनरूफ का कंट्रोल है, और यहाँ पे बात करें वैनिटी मिरर पे आपको टिकट होल्डर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको वैनिटी मिरर आता है, लाइट वगैरह नहीं देखने को मिलती। तो ये सारी चीज़ें ऊपर आती हैं, एक बार आप जो है इग्निशन को ऑन कर लेते हैं, ऑन करने के बाद कैसा आपको जो है सारा सेटअप देखने को मिलता है। थोड़ा सा म्यूजिक प्ले हो गया था, सो ऐसा कुछ आपको पूरा ऑन होने के बाद सारी चीज़ें लगती हैं, एक बार स्टार्ट ही करना पड़ेगा। सो अभी फिलहाल इसकी MID वगैरह काम नहीं कर रही है, मैंने ऑन करके भी देख लिया, सिर्फ आपको वार्निंग लाइट्स वगैरह दिखा रही है। वैसे बेसिक्स ही है, ऐसा कुछ ज़्यादा बात करने लायक इसमें है भी नहीं। अगर आपको इसमें डिटेल में चेक करना हो तो आई बटन में जो वीडियो आ रही है वो जरूर से देख लेना। इंफोटेनमेंट ऑन हो चुका है, होम UI जो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, सेटिंग्स वगैरह से कंट्रोल्स हैं, बेसिक सा इंफोटेनमेंट है। आपके डे टू डे लाइफ में जितने भी यूजेज वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। सिर्फ आपको जो है इसके अंदर कनेक्टेड फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे, बाकी आपके नॉर्मल सारे जितने भी वायरलेस का एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो और अपने साउंड क्वालिटी वगैरह नॉर्मल है, आप इसमें ब्लूटूथ वगैरह यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें डिस्प्ले से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर जो है देखने को मिलेंगी। एक सेकंड होम पे चलते हैं, फिर से डिस्प्ले में आप ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, बेसिक नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसी कोई हाई एंड चीज़ें आपको इसके अंदर नहीं है। बेसिकली इस वीडियो का मोटिव बस इतना ही था कि आपको डिस्काउंट वगैरह पता चल जाए जो पुरानी वाली सोनेट के ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि कोई और नहीं बता रहा है YouTube पे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और आप चलते हैं अपने इंजन बे की तरफ, वहाँ पे आपको क्या कुछ मिलता है वो चीज़ें आपको और मैं दिखा देता हूँ, फिर इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। सो वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताना, और फीचर्स के साथ साथ आपको जो इस पर ऑफर मिल रहा है वो भी आप कमेंट में बता सकते हो कि ऑफर जो 60-70 हज़ार रुपये आपको इसके ऊपर ऑफ मिल रहे हैं, क्या वो इस गाड़ी के लिए जस्टिफाइड हैं, और क्या आप फेसलिफ्ट से पहले फेसलिफ्ट वाला वेरिएंट लोगे, क्या आप ये वाला ऑफर में लोगे वेरिएंट, ये भी चीज़ आप जो है कमेंट में बता सकते हो। यहाँ से आप जो है बोनेट को अनलॉक कर सकते हो। अब ये आप चलते हैं बोनेट एरिया की तरफ, बोनेट आपको कैसा कुछ मिलता है मैं आपको इसका इंजन बे और दिखा देता हूँ। वैसे मैंने आपको कई बार इसके जो फीचर्स वगैरह हैं सारे बताए हैं, तो ऐसा कुछ आपको इंजन पे देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको टर्बो का भी ऑप्शन मिल जाता है, और साथ के साथ आपको डीजल भी चाहिए 1.5 लीटर में, वो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बट जो आज हमारे सामने ये इंजन है ये 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। पावर वगैरह की बात करें तो 81 BHP की पावर जो है आपको इस इंजन से देखने को मिलती है, और टॉर्क की बात करें तो 113 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा, और लगभग एवरेज की बात करें तो लगभग आपको जो है ये 17 का एवरेज देगी 45 लीटर के पेट्रोल टैंक से, जो ARAI क्लेम्ड एवरेज है। रियल लाइफ में लगता है कि 15 के आसपास आप इससे इजीली जो एवरेज निकाल सकते हैं। इंसुलेशन वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्टैंड वगैरह है, कूलेंट फिल करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, एक्सटर्नल बैटरी है, और यहाँ से आप जो इसके अंदर वॉशर वगैरह भी फिल कर सकते हो। सो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, सारे फीचर्स मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे बता दिए, ऑफर भी सारे बता दिए। अगर डिटेल में ऑफर भी जानने हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। सो वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के अंदर, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर सकते हो।